उत्तराखंड की एक घटना जहां धसमसता प्रवाह वच्चे हाथी फसायो चारे कोर पानी वच्चे असहाय हाथी ना दृश्य सामे आव्या छे। आप जोई रह्या छो आ दृश्य में उत्तराखंड ना धसमसता प्रवाह वच्चे एक हाथी फसायो छे। उत्तराखंड में भारे वरसाद तबाही मचावी छे ते वच्चे धसमसता प्रवाह वच्चे एक हाथी फसायना दृश्य सामे आव्या छे। हल्दवाणी में नदी ना पूर वच्चे हाथी फसायेलो हतो। उत्तराखंड की गोला नदी में हाथी फसायो छे। असहाय बन्यो छे हाथी। उत्तराखंड में धसमसता प्रवाह वच्चे हाथी फसाई गयो। एक तरफ भारे वरसाद चारे कोर पानी वच्चे असहाय हाथी ना अदृश्य सामे आव्या छे। हल्दवाणी में नदी ना पूर वच्चे हाथी फसायो हतो। उत्तराखंड की गोला नदी में हाथी फसायो हतो। उत्तराखंड में चारे कोर जलबंबाकार भारे वरसाद धसमसता पानी ना प्रवाह वच्चे आ एक एवा दृश्य सामे आव्या छे। हाथी असहाय बन्यो छे ते बहार कई रीते निकळशे ते सौथी मोटी वात। अहीं आ जे दृश्य आप जोई रह्या छो उत्तराखंड ना दृश्य, गोला नदी में पूर आव्यु ते समये हाथी फसायो हतो। हाथी जीव बचावा माटेना सतत प्रयत्न करतो पण नजरे पड़ी रह्यो छे, परंतु चारे कोर धसमसतो पानी नो प्रवाह। पूरी वन प्रभाग के अंतर्गत गोला नदी में एक हल्दू चौड़ के साथ पास में एक देवरामपुर एरिया पड़ता है, जहां पे आज सुबह एक हाथी के एक टापू पे फंसने की जो है खबर आई थी। और इसके बाद जो है वन विभाग की टीम को जो है रवाना किया गया, और उसके बाद जो है उसका मूवमेंट, जो हाथी का मूवमेंट है, वो देवरामपुर की तरफ जो है जंगलों की तरफ जो है उसने नदी को क्रॉस करके और देवरामपुर की तरफ जो है वो आ गया। वन विभाग की टीम ने जो है उसे थोड़ा और जंगल की तरफ खदेड़ा है, और उसके बाद जो है उसकी मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। तो जो आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है।